बेटा, हमारी लता ने बहुत बहुत दुख सहे हैं। देखना अब इसे कोई तकलीफ ना होने देना। ठाकुर साहब, मैं अच्छा भाई नहीं बन सका, अच्छा दामाद बनने की कोशिश जरूर करूंगा। ईश्वर का आशीर्वाद ले लो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अंत भला तो सब भला। आज भगवान ने दोनों परिवार की झोली में कितनी सारी खुशियां दे दी है। और मेरे दोनों बेटे करण और विमल के सर से इल्जाम हट गया। इतनी खुशियां हैं। बस समधन जी होती तो। माँ जहाँ पे होंगी ये जानकर बहुत खुश होंगी कि दोनों परिवारों की खुशियां लौट आई हैं। और अभी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। कनिका माँ जो बनने वाली है। हाँ प्रतिभा, इससे ठाकुर साहब का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। वैसे भी अकेलापन इंसान को काटने दौड़ता है। तुमने समधन जी की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया बेटे। करण और विमल के माथे से कलंक हटाकर और लता की जिंदगी में खुशियां लौटाकर तुमने दोनों परिवारों पर बहुत बड़ा उपकार किया बेटे। प्रियंका, राजू श्याम पानी लाना। क्या हुआ प्रियंका? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को रहने दो। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया इस घर में, मुझे वक्त ही नहीं मिला अपना ध्यान रखने का। और ना ही किसी और के पास था वक्त मेरे लिए। कोई बात नहीं, मैं खुद किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ। अरे प्रियंका नहीं, अगर ऐसी हालत में भी खुद ही बनाना पड़े तो इतने बड़े परिवार का फायदा ही क्या बेटा? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आभा के मायके में। समझती हूँ समझन जी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बाकी बहुओं पर ध्यान ही ना दे। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रियंका को अपने साथ ले चलती हूँ। अरे नहीं आंटी जी, आंटी जी हमारी तरफ से अगर प्रियंका भाभी की देखरेख में कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। ये सब किसके लिए चंद्रप्रभा? ये हमारे पोते के लिए है ठाकुर साहब। कब से बना कर रखा है हमने। जब प्रकाश का बच्चा होगा हम ये सब उसे अपने हाथों से देंगे। लेकिन चंद्रप्रभा, आप कैसे कह सकती हैं कि पहले बेटा ही होगा? हाँ? अगर बेटी हुई तो? देखिए तो सही पहले आप, पोता हो या पोती, हमने दोनों के लिए स्वेटर बुने हैं। दादा दादी बनने की खुशी कुछ और ही होगी, है ना ठाकुर साहब? बस अब कुछ दिन और यहाँ सबके साथ घुट घुट के रहना है, उसके बाद सब मेरे हिसाब से ही होगा। हम अंदर आ जाएं बेटा। बेटा ये कुछ सामान है जो तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे लिए रखा था। तुम्हारे होने वाला मेरा गला बहुत सूख रहा है। मामी जी पानी भी रखना भूल गई, मुझे किचन जाके। ना ना तुम बैठो बेटा, आराम करो, हम लेकर आते हैं। हेलो, हाँ अग्रीमेंट और पेपर्स रेडी हो गए ना? बस मैडम आप मेरी दलाली तैयार रखना, काम लगभग हो गया है। गुड, क्या बात है कनिका जी? पिताजी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं तो थोड़ी सी वीकनेस है और कुछ नहीं। क्या घर में खाना नहीं बना आज? आज मेरा चाइनीज खाने का बहुत मन था, लेकिन किससे कहती। तो किसी से कहकर मंगवा लेती हैं आप? मैंने सोचा कि क्यों किसी को तकलीफ दूं, और फिर अगर खर्चा हुआ तो सब लोग तो मुझे ही दोष देंगे। वो सब पुराने जमाने की बात है, और सच कहें तो हमारे वक्त माँ को स्वर्ण भवन में सब सुविधाएं थी। देखिए कनिका जी इतने छोटे से घर में हमारे साथ रहकर अगर एडजस्ट कर रही हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनका ख्याल रखें। चंद्रप्रभा आप होती तो आज जो हुआ वो कभी ना होता। सारे बच्चों को कितना संभाल कर रखा था आपने, कभी कोई गलतफहमी नहीं होने दी। आपके बिना अब हम कैसे संभालेंगे ये सब? जिंदगी लगता है अधूरी सी हो गई है आपके बिना चंद्रप्रभा। खैर जब तक जीवन है आपकी यादों के सहारे जी लेंगे। जानती हैं चंद्रप्रभा, आज आपके बनाए हुए स्वेटर, मोजे सब दे दिए हमने अपनी बहू को। बस अब एक बार हमारा पोता या पोती घर में आ जाए तो उसके साथ खेलने में दिन बीत जाया करेगा। आपके इससे कभी सारा प्यार हम ही तो देंगे ना उसे। करण, जगा दिया बागनी को। करण उठिए, कितनी मुश्किल से हमने सुलाया था। लीजिए बागनी। अच्छा अभी जाओ, मम्मी आपको सुला देगी, फिर पापा कल खेलेंगे। ओके बाय। कितनी बार आपसे कहा है, पावनी एक बार सो गई तो उसे परेशान मत कीजिए। एक बार उठ जाती है तो ना ही खुद सोती है ना हमें सोने देती है, और हम नहीं चाहते दूसरे बच्चों की तरह पावनी देर से सोए और देर से जागे। देखा पावनी आपने, आपके पास आभा जैसी मम्मी नहीं होती तो आपको ये संस्कार कहाँ से मिलते बताओ? माता पिता के संस्कार ही तो होते हैं जो इंसान के साथ जिंदगी भर रहते हैं। आज हम जो भी हैं अपने माँ और पिताजी के दिए हुए संस्कार की वजह से तो हैं। पावनी की मम्मी, आप देखना कि आप हमारी पावनी को भी वही संस्कार देंगी जिससे उसका पति भी उस पर उसी तरह गर्व कर सके जिस तरह आपका पति आप पर करता है ना? पावनी सोएगी? सो जाओ। सोएगी आप? हाँ, पापा के पास है ना? पापा ने आपको उठाया, पापा ही आपको सुलाएंगे। अच्छा बस 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 बस, इतने सारे काम पड़े और मैडम जी को अभी चाय चाहिए। पी लो भाई चाय। दूध। अरे आ रही हूँ बाबा। दूध। अरे आ रही हूँ ना, भैंस क्या भागी जा रही है जो इतना उधम मचा रहे हो तुम? आ रही हूँ। अरे भाई नाश्ते में कुछ तैयार हुआ कि नहीं? मुझे किसी जरूरी काम से बनाया है ना, आलू पराठा, पालक पराठा, पूरी, छोले, हलवा, पोहा। इतना सब कुछ? खैर लाओ, मुझे निकलना है। ला रही। ये क्या है? अरे भगवान, अभी इतने पकवानों के नाम ले रही थी, वो सब कहाँ हैं? सपने में। क्योंकि अब इस घर में इतने सारे पकवान तो सिर्फ सपने में ही बन सकते हैं ना, और आप भी सपने में ही खा लो उन्हें। लता और दीदी तो है नहीं, सारे काम बस मुझे अकेली को ही करने पड़ रहे हैं। खाने के लिए सब आ जाएंगे मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आएगा। भाभी जी नमस्ते। ठाकुर भैया नमस्ते। भैया कैसी हैं आप? और श्रीधर हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिल रही है उन्हें? अभी तो ठीक ही हैं, लेकिन हॉस्पिटल में हैं। उन्हीं के लिए ये फल वगैरह लेने आई थी। लेकिन इतनी दूर ये सब आप अकेले बेटे से कह दिया होता। बुढ़ापे में बहू बेटा कहाँ साथ देते हैं, सभी छोड़ जाते हैं साथ। खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। खैर, लेकिन आप इतनी दूर पैदल ये सब लेके कैसे जाएंगी? हम छोड़ देते हैं आपको, इस बहाने श्रीधर से भी मुलाकात हो जाएगी। ऑटो चली जाऊंगी। नहीं, हम छोड़ देते। आइए आइए। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि केवल लड़के ही वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। चली भाभी, मम्मी ठीक ही तो कह रही है। अगर लड़का नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? वंश आगे बढ़े इससे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे का अपने खानदान का नाम रोशन करना। फिर वो रोशनी फैलाने वाला चिराग लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। हाँ, हाथ ना लगे तो अंगूर खट्टे ही लगते हैं। भाभी भाभी जरा नीचे। लता दीदी का फोन है। अच्छा दीदी, अरे हम कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। आप जानती है ना हमें आपकी कितनी चिंता होती है। अच्छा आप मुंबई से कब आ रहे हैं? और आप राज्य के साथ खुश तो है ना? सॉरी, हम ही आपसे सवाल किए जा रहे हैं। छोड़िए वो सब, आप एक बार आ जाइए फिर इत्मीनान से बात करेंगे। अच्छा माँ होती तो माँ जहाँ भी होंगी दीदी, आपको खुश देखकर उनकी आत्मा को बहुत खुशी होगी। बस आप जल्दी से वापस आ जाइए फिर हम बहुत सारी गपशप करेंगे। ठीक है, बाय। और जीजा जी को हमारे तरफ से हाय। बाय बाय। करण, दीदी का फोन था। राजी, हमारा मतलब जीजा जी को मुंबई में थोड़ा काम है इसलिए थोड़े दिनों बाद आएंगे। अच्छा हम सोच रहे थे शादी के बाद हमने उन्हें घर पे बुलाया ही नहीं। जैसे वो उज्जैन आएंगे ना सबसे पहले हम उन्हें खाने पे इनवाइट करेंगे, है ना करण? क्या सोच रहे हैं? हाँ। अब देखो मैं मानता हूँ कि राज की शादी लता दीदी से हो गई है, वो हमारा बहनोई है, लेकिन हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। मैं बस यही सोच रहा था कि किस तरह हम उसका एक कर्ज चुका सकें। मैंने रात से भी बात की, उसने कहा उसके पास कुछ प्लान्स हैं, वो आएगा तो डिस्कस करेगा। बस यही था। हमारे खानदान के चिराग को तुमने खत्म कर दिया। इतनी गिरी हुई हरकत। अरे गिरे हुए तो आप हैं जो अपनी बहू की जासूसी करने वहां तक पहुंच गए। इतनी घटिया सोच आपकी। काश बदसमान लड़की, हमसे समान। क्या क्या हुआ कनिका जी? आप ऐसे कैसे गिर गए कनिका जी? बोलिए ना। प्रखर, बहुत दर्द हो रहा है प्रखर। रो रहे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? झूठ। ये बहुत अच्छा मौका है पंडित जी की नजरों में ठाकुर को गिराने का। इन्होंने क्या मतलब कनिका जी? इन्होंने क्या मतलब? पंडित जी, ठाकुर साहब ने कनिका को थप्पड़ मारा और वो गिर गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ठाकुर साहब। हाँ। कनिका जी, आपने कनिका जी को थप्पड़ मारा है? झूठ बोल रही है बेटा ये। और अगर तुम इसकी हरकत सुनोगे तो पिताजी सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने इन्हें थप्पड़ मारा है या नहीं? हर्ष बेटा, हमारी बात सुनो, हमने कोई थप्पड़। पिताजी! हाँ या ना में जवाब दीजिए पिताजी। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कनिका जी। प्लीज आप जरा बाहर बैठिए। जा बाहर। मामी, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बोलिए ना। गिरने की वजह से बच्चा बच नहीं पाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कनिका बच गई। ठाकुर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज एक पिता ने अपने बच्चे से उसी की औलाद छीन ली। घोर कलयुग है माजी और दीदी के बिना आप कितने अकेले हो गए हैं। उन्हें कितना मिस करते हैं ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ पिताजी। आपकी उदासी की दवा ले आया हूँ मैं। आपकी प्यारी सी बिटिया ने आपके मनपसंद गुलाब जामुन बना के भेजे हैं, लीजिए लीजिए। बात ना बेटा, अभी हमारा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे आपका मन नहीं? मुझे पता था आप नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने आभा को बोला था कि मैं उसे फोन करूंगा। आप आभा से ही बात कीजिए। नहीं, पापा का फोन है। हेलो आभा, तुमने इतने प्यार से गुलाब जामुन बना के भेजे और पिताजी ने एक पीस भी नहीं खाया। तुम ही बात करो, आप बात कीजिए। हाँ बेटा। पिताजी, अभी के अभी आप गुलाब जामुन चखिए और बताइए माँ के हाथ का स्वाद है या नहीं। अभी ठीक है, फोन करो। किस खुशी में अपना मुंह मीठा कर रहे हैं पिताजी? किस खुशी में अपना मुंह मीठा कर रहे हैं पिताजी? हमारे होने वाले बच्चे की मौत की खुशी में? हाँ? ये क्या बकवास कर रहे हैं प्रकाश भैया? हम ठीक कह रहे हैं करण। ये जो यहाँ पर आराम से मुंह मीठा कर रहे हैं ना, आज इनकी ही वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। शट अप प्रकाश भैया, क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, मेरा बच्चा ने जब ये घर अपने नाम करवाया, तुझे ये पता था? हाँ, सब कुछ मालूम था। और अब ये घर हमारा है। और जो आपने आज ये हरकत की है ना, इसके बाद हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। नहीं, अब इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। हम भी यहां एक पल नहीं रुकना चाहते हैं। जी आप प्रकाश भैया क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आप कुछ कहिए। करण, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और तेरा भी। आप मेरे साथ स्वर्ण भवन चलिए, आज से आप वहीं रहेंगे हमारे साथ। करण बेटा, तुमने इतना कह दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन बेटी के घर में रहकर हम अपनी आत्मा पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहते और ना ही दुनिया वालों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो बातें बनाएं। पिताजी, बेटा दामाद हो तुम हमारे, तुम्हें बार बार यूं इनकार करें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ना कर। हमारे एक मित्र हैं, बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, कुछ दिन उनके पास रहेंगे और फिर हम अपना खुद का इंतजाम कर लेंगे। कुछ नहीं पिताजी, बेटा हमने कह दिया ना। हाँ? आइए, आपको वहां तक छोड़ा था। नमस्ते, आइए आइए, कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। उदय, ऐसा समझो कि ये घर तुम्हारा ही है। मेरे बुरे वक्त में तुमने कितनी मदद की थी, मैं वो सब आज तक नहीं भुला पाया। आओ पिताजी। करण बेटा, हमारी चिंता मत करना, हम यहाँ ठीक रहेंगे। तुम जाओ करण, और एक बात करण, आभा से ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में कुछ मत कहना। ध्यान रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए। करण, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी हैं आपके साथ? पिताजी नहीं है, पिताजी को मैं एक फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आया, वो बहुत जिद कर रहे थे। आभा, हमारे होते हुए आप किसी और के यहाँ छोड़कर? आभा, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो स्वर्ण भवन आने को तैयार ही नहीं। करण, हम पिताजी को अकेले नहीं छोड़ सकते, आप हमारे साथ चलिए, हम उन्हें मनाएंगे। एक मिनट, शैली भाभी का फोन है। हाँ भाभी, आभा है तुम्हारे साथ? उसे कहो ना कि पावनी बहुत रो रही है, जल्दी से घर आ जाए प्लीज। हाँ है, मैं उसे घर भेजता हूँ। हाँ ठीक है। पावनी बेटा, वो ठीक है, सो रही हमारे कमरे में है, तुम चिंता मत करो। पापा, पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। ठाकुर साहब मिल जाएंगे। मेरी परवरिश ही गलत थी जो कनिका इतनी बिगड़ गई। पापा आप एक बार करण को फोन करके पूछिए ना, मुझे पिताजी मिलेंगे। फोन कर दो, तुम रो मत, तुम रो मत। पिताजी कहाँ होंगे? माँ बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कनिका से बात करूंगी और फिर तुम हो ना बेटा, तुम सब मेरे ही बच्चे और मैं अपने किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। हमने आपको कितनी बार समझाया है, नंगे फर्श पर न बैठिए न सर रखिए। आप तो चली गई हैं चंद्रप्रभा, अब तो इस शरीर को हर किस्म की तकलीफ सहने की आदत डालनी पड़ेगी। आपके साथ तो संघर्ष में भी खुशी मिलती थी, अब न जाने अकेले अकेले ये जीवन कैसे कटेगा। अपनी माँ की सबसे बहादुर बेटी हो ना शैली। अम्मा तुम आभा के साथ रहो, मैं पावनी को देखकर आती हूँ। जी आभा परेशान नहीं होना, बहुत चिंता हो रही है हमें बाबा। आज दिवाली है और आप जानती है माँ जिस गुरु जी को बहुत मानती थी उन्होंने कहा था कि आज अगर 9 बजे से पहले पूरा परिवार मिलकर पूजा नहीं करेगा तो हमारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आ सकता है और माँ की भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब पिताजी भी मिल नहीं रहे हैं हमें, नहीं तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, तुम पूरे परिवार की नींव हो आभा, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। हाँ हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाभी। किसी भी तरह हम 9 बजे से पहले पूजा करेंगे और माँ की इच्छा पूरी करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।